तो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्यूरेट ट्रेन लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिसको ट्रेन लाइन ड्रॉ ही नहीं करने आता है, तो इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि बेसिकली मार्केट में कितने तरीके के ट्रेंड होते हैं और मार्केट में सही ट्रेन लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है, एकदम एक्यूरेट जगह पे किस तरीके से ट्रेन लाइन को ड्रॉ करना। तो वो बहुत सारी मेथड है जो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो दोस्तों बिना स्किप कर इस वीडियो को पूरा देखेगा, और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना, क्योंकि इस चैनल पर बहुत सारी ऐसी चीज है जो मैं आप लोगों को टाइम टू टाइम सिखाता रहता हूँ। और उससे पहले मैं आप लोगों को दोस्तों यहां पे एक चीज बताना चाहूंगा कि मेरे यहां पे आप लोगों को स्क्रीन पर मेरा व्हाट्सएप नंबर शो हो रहा होगा, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप लोगों को ज्वाइन लिखकर के मैसेज करना है, और जैसे ही ज्वाइन लिखकर के मैसेज करोगे तो हम आप लोगों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड कर देंगे, और उस व्हाट्सएप ग्रुप में बहुत सारी चीजें मैं आपको चार्ट यहां पे पोस्ट करता रहता हूं, बैंक निफ्टी निफ्टी के बारे में यहां पे कॉल पुट के बारे में देता रहता हूं, और बहुत सारी चीजें जैसा कि मैं यहां पे जूम क्लास करता हूं कभी कभी, तो आप लोगों को फ्री में उसका एक्सेस मिलता है, जो कि जूम जो लोग भी मेरे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर ऐड रहता है उसी को हम यहां पे फ्री में जूम क्लास देते हैं, तो इसका भी बेनिफिट आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप को जरूर से जरूर ज्वाइन करना, और चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो उससे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि ट्रेंड किस तरीके से मार्केट में होता है और मार्केट में ट्रेंड फॉर्म होने के कितने तरीके होते हैं। तो उससे पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, जिसके बारे में थोड़ा सा सुन लो। देखो मार्केट में बेसिकली तीन तरीके का ट्रेंड होता है। एक तो होता है अप ट्रेंड, जहां पर मार्केट एक कंटिन्यू अप ट्रेंड जाता है, मार्केट ऊपर की ऊपर जाता है, और एक मार्केट ऐसा है जहां पर मार्केट जाता है डाउन ट्रेंड, और एक ऐसा भी मार्केट है जहां पे दोस्तों न तो अप ट्रेंड जाता है न डाउन ट्रेंड जाता है, और मार्केट वहां पे साइडवेज रहता है, न ऊपर जाता है न नीचे जाता है, एकदम रेंज के अंदर घूमता है। तो इसे रेंज बाउंड मार्केट कहते हैं, या फिर साइडवेज मार्केट भी इसको हम बोलते हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं अप ट्रेंड होने के क्या क्या फॉर्मूले यहाँ पे उसके अंदर अप्लाई होगा, तो उसको हम अप ट्रेंड मानेंगे। देखो इस तरीके से आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो अप ट्रेंड होता कितने तरीके का होता है। तो सबसे पहले हम लोग एक चीज को दोस्तों यहां पे समझेंगे अप ट्रेंड को। तो अप ट्रेंड क्या होगा, एक लाइन की तरह होगा, और क्या करेगा अप ट्रेंड में, अप ट्रेंड मार्केट यहां से घूम करके आएगा और यहां पर बार बार ये सपोर्ट करेगा इस ट्रेंड को, और यहां से घूम करके ऊपर जाएगा। तो ये वाला अप्लाई जो ये चीज जो अप्लाई होगा तो इसको हम अप ट्रेंड बोलेंगे। तो इसमें होगा क्या दोस्तों, कंडीशन क्या होगा, कंडीशन ये होगा कि यहां पर जो हाई लगा है, ये जो हाई है इस मार्केट का, इससे नया हाई एक बार मार्केट लगाएगा तो ये नया हाई बन गया, फिर से नया हाई बनाएगा तो ये नया हाई बन गया। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो हाई है इससे ऊपर वाला हाई है तो इसको हम हायर हाई बोलेंगे। क्यों, क्योंकि मार्केट इससे ऊपर गया है तो इसको हायर हाई बोलेंगे। ये वाला हाई से ऊपर ऊपर गया है, फिर से इसको हायर हाई बोलेंगे, और ये वाला जो हाई है उससे नीचे जो आया है तो ये हाई का लो है, तो इसको हम लोग बोलेंगे हायर लो, और जो हाई का हाई से भी ऊपर बना है तो इसको हम हायर हाई बोलेंगे। फिर से ये हायर है तो इसको हायर के नीचे में बना है तो इसको हम बोलेंगे हाई का लो है, तो इसको हम हायर लो बोलेंगे। और फिर से मार्केट देख सकते हो यहाँ से जाकर के ऊपर गया है, तो ये वाला हाई से ऊपर गया है मार्केट, तो यानी कि ये वाला हाई से ऊपर गया है मार्केट तो इसको हम हायर हाई बोलेंगे, यानी कि कंटिन्यू हायर हाई हायर लो फॉर्म करते जाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये मार्केट ट्रेंडिंग मार्केट है, और इस कंडीशन जो अप्लाई होगा तो उसको हम यहाँ पे बोलेंगे अप ट्रेंड। अब चलिए बात कर लेते हैं डाउन ट्रेंड के बारे में कि इस तरीके से मार्केट होगा। डाउन ट्रेंड में इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन होगा, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं, और इस तरीके से ट्रेंड लाइन होगा, और इस तरीके से मार्केट उसको डाउन ट्रेंड को यहाँ पे फॉलो करेगा। मार्केट यहाँ पे देख सकते हो इस तरीके से मार्केट डाउन ट्रेंड को फॉलो करेगा, तो इस ऐसा जो चार्ट बनेगा तो वहाँ पर हम बोलेंगे कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है। तो डाउन ट्रेंड में कंडीशन क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मार्केट एक नया लो लगाएगा तो इसको हम लोअर लो बोलेंगे, और ये वाला लो है उससे एक और नया लो बन गया, देख सकते हो दोस्तों इस तरीके से लो बनेगा तो इसको हम बोलेंगे लोअर लो, और ये वाला लो का जो एक हाई बना है तो इसको हम यहाँ पर बोलेंगे लोअर हाई, क्योंकि ये वाला जो लो लगा है इसका हाई है, तो इसे एक नो और नया हाई लगेगा और इससे ऊपर नहीं जाएगा मार्केट, इस वाला हाई से ऊपर नहीं जाएगा, ये वाला हाई देख रहे हो इससे ऊपर ये वाला हाई नहीं जाना चाहिए, तो ये कंडीशन अप्लाई नहीं होगा, तो ये लोअर लो हो जाएगा, ये लोअर लो हो जाएगा दोस्तों, लोअर लो, ये लोअर लो, और ये लोअर का जो हाई है इसको हम बोलेंगे लोअर हाई, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई, इसको हम बोलेंगे लोअर हाई। तो इस तरीके से मार्केट फॉर्म होगा, तो उस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि ये मार्केट डाउन ट्रेंड है। अब यहाँ पे एक और मार्केट आता है साइडवेज, तो साइडवेज मार्केट में क्या होगा, एक तरीके से रेंज रहेगा और मार्केट उसी रेंज के अंदर यहाँ पे घूमेगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, ऊपर जाएगा नीचे आएगा, तो इस कंडीशन में हम लोग न तो नया हाई बनता है और न ही नया लो बन रहा है, जो पिछला लो बना है उसी के आसपास लो बनता है, क्योंकि सेम टू सेम हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम लोग समझ सकते हैं कि एक रेंज बाउंड मार्केट है, जहाँ से न ही नया हाई लग रहा है और न ही नया लो बन रहा है, तो इस कंडीशन में हम लोग बोलेंगे कि मार्केट रेंज बाउंड है, और उसको साइडवेज मार्केट भी हम बोलते हैं।
अब चलिए बात कर लेते हैं कि ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। आप लोगों ने तो समझ लिया कि ट्रेंड कितने प्रकार के होते हैं। बेसिकली तीन प्रकार के ट्रेंड होते हैं जिसके बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया। अब सही तरीके से ट्रेंड को किस तरीके से ट्रेंड लाइन को किस तरीके से ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो देखो ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको बताएंगे, लेकिन एक मेथड है जो मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा एक एक्यूरेट जगह पे किस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है और ट्रेंड को किस तरीके से देख करके आप लोगों को आइडेंटिफाई करना है। तो देखो इस ये वाला चार्ट को मैंने आप लोगों के सामने यहाँ पे ओपन कर लिया। इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा दोस्तों, और यहाँ पे आप लोगों को जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप इसको ध्यान से सुनिएगा। देखो एक मार्केट ने क्या फॉर्मेशन किया, एक यहाँ पे हाई लगाया है, थोड़ा सा ऊपर गया है मार्केट ऊपर गया, नीचे में आया है, फिर से मार्केट एक नया हाई बनाया है जो कि इस हाई से भी ऊपर है दोस्तों, जो कि ध्यान देना दोस्तों नया हाई बना है। फिर से मार्केट क्या हुआ है, ये वाला हाई से ऊपर जा करके देखो फिर से एक नया हाई ये वाला लगा है। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हो कि एक मार्केट अप ट्रेंड की ओर जा रहा है मार्केट, और लो के केस में क्या होगा दोस्तों, नया जो लो लग रहा है इससे ऊपर होना चाहिए नया लो, तो ये वाला देख सकते हो नया ऊपर में है और फिर से नया क्या है ऊपर में है। तो एक बार जो हायर होगा उसका लो होगा उसको हम छोड़ देंगे और दूसरी बार जो मार्केट अटेम्प्ट करेगा तो इसको हम लेंगे, या क्योंकि इस वाले हाई से यहाँ पर जो मार्केट ने हाई लगाया है उस वाले हाई से ये मार्केट थोड़ा सा ऊपर है, तो इसलिए इसका जो लो होगा इसको हम कंसिडर करेंगे और इसका जो नीचे वाला लाइन होगा इसको हम लेंगे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करने के लिए। तो ट्रेंड लाइन को किस तरीके से हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। तो उसको हम यहाँ पे एक ऊपर में यहाँ पे आप लोगों को इस तरीके से लेना है और इसको इस तरीके से मिला लेना है, इसको इस तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर लेना है। अब आपको पता कैसे चलेगा दोस्तों कि एक्यूरेट हम जो आपने ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया वो एक्यूरेट है कि नहीं, तो उसके लिए आप लोग क्या करना है, यहाँ पे आप लोगों को एक इंडिकेशन यहाँ पे देखने को मिलता है, इस पर क्लिक करोगे और यहाँ पर आप लोगों को एक सामने यहाँ पे लाइन का ऑप्शन आएगा, तो सिंपल से लाइन को ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। अब देखो दोस्तों जो मैंने यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया वो एकदम एक्यूरेट नहीं है, रॉन्ग ट्रेंड लाइन मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है। तो इसको एक्यूरेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्यूरेट करने के लिए इस लाइन को हम यहाँ पे एडजस्ट करेंगे, तो इस लाइन को इस तरीके से हम यहाँ पे एडजस्ट करने वाले हैं ताकि एक्यूरेट पता चले कि ट्रेंड लाइन जो मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो एक्यूरेट है या नहीं। तो वो इस तरीके से हम यहाँ पे बता कर देंगे। तो यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो, अगर आप आकर के देखोगे तो ये आप लोगों को एडजस्ट पता चलेगा कि एक्यूरेट ट्रेंड लाइन यहाँ पे बना हुआ है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन एक्यूरेट जगह पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन को बना सकते हो। तो इस तरीके से मार्केट यहाँ पे देख सकते हो, एक आप लोगों को भी देखने को मिल रहा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर गया, एक नया हाई लगा है, इसको सपोर्ट किया, फिर से मार्केट ऊपर गया और ऊपर गया। देखो मार्केट जब भी ट्रेंड लाइन को तीन बार अगर यहाँ पे टच करता है तो समझ लेना वो ट्रेंड लाइन वैलिड नहीं माना जाएगा। देखो पहला अटेम्प्ट, सेकेंड अटेम्प्ट और ये क्या है थर्ड अटेम्प्ट है, तो थर्ड अटेम्प्ट में हमारा क्या होगा, ये ट्रेंड लाइन इनवैलिड हो जाएगा, यानी कि वो ट्रेंड लाइन ज़्यादा काम नहीं करेगा। और अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगा तो वो एक नया ट्रेंड को यहाँ पे कंटिन्यू करेगा, जो कि मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। इसको थोड़ा सा यहाँ पे एक और बार थोड़ा सा समझ लो। देख लो जो मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कि देखो ये ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं माना जाएगा, फिर से एक नया ट्रेंड बनाता है मार्केट। तो देखो इस ट्रेंड लाइन को तो दो तीन बार सपोर्ट तो किया, लेकिन उसके बाद फिर से एक नया ट्रेंड बना है मार्केट। तो ये आप लोग यहाँ से लेकर के एक और नया ट्रेंड बना है, तो यहाँ से लेकर के ये एक मार्केट का फिर से एक नया ट्रेंड है। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, एक्यूरेट जगह पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को कितना बार सपोर्ट किया आप लोग देखो, देखो मार्केट को कितना बार सपोर्ट किया, पहली बार, दूसरी बार और ये तीसरी बार, और यहीं पर एक और बार आया है मार्केट दोस्तों, चौथी बार इस मार्केट को टच किया है। तो इस कंडीशन में हम इस ट्रेंड लाइन को वैलिड नहीं मानेंगे और फिर से एक नया ट्रेंड यहाँ पे मार्केट बनाता है। तो वो कंडीशन क्या होगा दोस्तों, इस कंडीशन में क्या होगा, मार्केट इस तरीके से एक नया फॉर्म बनेगा, फिर से एक नया ट्रेंड यहाँ पे देखता हुआ आप लोगों को दिख रहा होगा, फिर से एक नया ट्रेंड यहाँ पे बन रहा है मार्केट। तो दोस्तों जो मैं आप लोगों को समझाना चाहता हूँ उसको समझने की कोशिश कीजिए दोस्तों कि किस तरीके से ट्रेंड लाइन को फॉर्म किया जाता है। फिर से आप लोग कैंडल पर आकर के देख सकते हो कि किस तरीके से आप लोग, मार्केट तो कंटिन्यू अप ट्रेंड में है, लेकिन जो आप लोगों का ट्रेंड लाइन का यहाँ पे एक तरीके से ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही मेथड है वो इसी तरीके से है दोस्तों। जब भी मार्केट कोई भी लाइन को अगर तीन बार मार्केट एक दो तीन बार इस तरीके से अगर मार्केट टच करता है तो समझ लेना चौथी बार में उस ट्रेंड लाइन को बहुत कम मार्केट को सपोर्ट करेगा। क्यों? क्योंकि वो एक मार्केट में अप ट्रेंड रहेगा तो वो वहाँ से एक नया अप ट्रेंड की ओर जाता है मार्केट और वहाँ से एक नया ट्रेंड लाइन का निर्माण होता है इस तरीके से। तो ये आप लोग समझ सकते हो कि मार्केट में जो ट्रेंड होता है, अब मार्केट तो अप ट्रेंड में है कंटिन्यू, लेकिन ट्रेंड लाइन ड्रॉ करने का सही मेथड यही है कि जब भी तीन बार से ज़्यादा उस ट्रेंड लाइन को यहाँ पर सपोर्ट करने लगता है तो आप लोग समझ लेना कि चौथी बार में इस ट्रेंड लाइन को ज़्यादा सपोर्ट मार्केट नहीं करने वाला है, जो कि मैंने आप लोगों को लाइव बता दिया। तो अब चलिए दोस्तों एक और यहाँ पे ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करते हैं, जो कि आप लोगों को समझने में यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इजी है दोस्तों ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया है कि अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही तो लाइन चार्ट पर आकर के देख सकते हो।
कि कहाँ पर ट्रेंड किस तरीके से है, तो यहाँ पर आप लोग समझ सकते हो। तो यहाँ पर जो आप लोगों को ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ये वाला जो आप लोगों को हाई दिख रहा है उससे नीचे वाला ये लो है, तो ये एक उससे नीचे वाला है, तो यानी कि हाई का लो बन रहा है और नया लो फिर से लगा चुका है। तो इस कंडीशन में हम लोग समझ सकें कि मार्केट एक डाउन ट्रेंड में यहाँ पे आने वाला है। तो हम ट्रेंड लाइन किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से आपको यहाँ पे कैंडल पे सेलेक्ट कर देना है और यहाँ पे एक लो बना है ना, तो इसको इस तरीके से यहाँ पे मिला देना है। तो आप लोग देख सकते हो कि मार्केट में कितना एक्यूरेट जगह पे यहाँ पे ट्रेंड लाइन दोस्तों मैंने यहाँ पे आप लोगों के सामने बनाया है। देख सकते हो एक्यूरेट जगह पे एकदम ट्रेंड लाइन बन रहा है। और दोस्तों यहाँ पर भी देख सकते हो एक और यहाँ पे बहुत अच्छा ट्रेंड लाइन यहाँ पे बन रहा है, जो कि यहाँ पर आप लोग देखने रहो, ये जो हाई है इससे तो लो, ये देख सकते हो ये वाला ऊपर में हाई है और इससे नीचे में बना है ये दोस्तों, ये एक नया लो बना है, एक नया इसका इससे जो ये हाई जो लगा है इससे तो नीचे ही है ना, और फिर जा करके देखना दूसरा नीचे कौन है, ये वाला है। तो यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन बहुत ही अच्छा ट्रेंड लाइन बन रहा है, तो इसको भी थोड़ा सा ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहाँ पर ले करके आप लोग यहाँ से स्टार्ट कर सकते हो ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना, क्योंकि पीछे वाले एक छोड़ करके, और यहाँ से देख सकते हो एकदम एक्यूरेट जगह पे आप लोग ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर रहे हो। देख रहे हो मार्केट को कितना बार इसने यहाँ पे रिस्पेक्ट किया मार्केट को, देख सकते हो पहली बार यहाँ पे टच हुआ, सेकेंड बार, थर्ड अटैम्प्ट, फोर्थ अटैम्प्ट हो गया है दोस्तों। अब ये क्या करेगा मार्केट, एक नया ट्रेंड को कंटिन्यू करेगा और मार्केट उस ट्रेंड लाइन को बहुत कम चांस है जो इसको सपोर्ट करेगा। देख सकते हो मार्केट ने तो यहाँ पे सपोर्ट किया क्योंकि ये प्रीवियस ट्रेंड है, तो जैसे ही चार बार ट्रेंड यहाँ पे लगातार डाउन ट्रेंड में है मार्केट, लेकिन चार बार टच कर चुका है, तो समझ लेना पांचवीं बार में ये ट्रेंड कुछ और बताने वाला है और वहाँ पे बिग फॉल होने वाला है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, और वहाँ पर एक नया यहाँ पे लोअर एक नया ट्रेंड यहाँ पे बनेगा, जिस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो एक नया ट्रेंड लाइन का ये आ रहा है सपोर्ट, देख रहे हो इस तरीके से ट्रेंड यहाँ पे बनते जा रहा है। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो कि चार बार से ज़्यादा किसी ट्रेंड लाइन को यहाँ पे रिस्पेक्ट कर देता है तो वो ट्रेंड लाइन इनवैलिड माना जाता है, जो कि मैंने आप लोगों को बता भी दिया है, और ये बहुत कम चांस है जो दोस्तों बहुत सारे लोग आपको इसके बारे में बताएगा। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये वीडियो बहुत आप लोगों को पसंद आया होगा, क्योंकि आप लोग को मैंने यहाँ पे इस वीडियो में ट्रेंड लाइन के बारे में बताया कि किस तरीके से एक्यूरेट ट्रेंड लाइन को ड्रॉ किया जाता है, और आप लोग यहाँ से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करना इजीली तरीके से दोस्तों सीख सकते हो, जो कि काफ़ी सिंपल है। तो आप लोगों को इससे जुड़ी कोई भी अगर आप लोगों को समस्या है, कोई भी दिक्कत आ रही है, तो आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई कर सकते हो, मात्र देख करके भी ट्रेंड का पता लगा सकते हो, जो कि आप लोग यहाँ पे इसको जा करके लाइन चार्ट में कन्वर्ट करके आप लोग इजीली तरीके से ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी, पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और इसी तरीके के और भी वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबा देना। तो चलिए दोस्तों मिलता हूँ फिर एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए गुड बाय।